Dear students, I am going to show you this problem on a two degree of freedom system. ठीक है ना, तो एक्चुअली जो हमने टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को स्टडी किया उसमें हमने देखा कि दो मासेस होते हैं और तीन स्प्रिंग्स होते हैं. तो यू कैन हैव टू मासेस और टू स्प्रिंग्स ओनली, दैट वुड बी एन इशू. बट हमने यहाँ पे लिए है दो मासेस और तीन स्प्रिंग्स है. तो अब मैं इसको ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, तो अब मैं आपको इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूँ. एक्चुअली दिस प्रॉब्लम इज अ इजी वन, बट इट एक्सप्लेन्स अ लॉट अबाउट अ टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. तो मैक्सिमम आपको इसी से समझ में आ जाएगा. सो दिस इज ट्रू फॉर अ थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम अगर आप इसको समझो तो. तो प्रॉब्लम इज कि आपके पास दो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है जिसमें स्प्रिंग स्टिफनेस दी हुई है, जैसे कि हम लेते हैं ना, हमने सेम लेते हैं जब मैंने प्रॉब्लम को स्टडी किया. तो अब भी मैं सेम ही लेता हूँ, मान लो 30 न्यूटन पर मीटर. और मास जो है मैंने यहाँ पे m3 लिखा है, एक्चुअली देयर इज नो m3, सो ये गलत हुआ है यहाँ पे. सो m3 इज नॉट देयर है, प्लीज टेक दिस इनटू कंसीडरेशन. एक्चुअली दिस इज m1 इज कॉल्ड m2 इज कॉल्ड 1, m3 नहीं है ये, मैंने गलती से लिखा है. सो द इनिशियल कंडीशंस फॉर दिस एक्साइटेशन, मतलब हमारे पास जो सिस्टम है वो ये फिगर में दिया हुआ है. एक है के के और के और दूसरा है मास m और दूसरा भी है मास m. इसका रिस्पांस है x1t, इसका है x2t. रिस्पांस मींस द डिपेंडेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मास ऑन टाइम. जो इनिशियल कंडीशंस है वो है कि हमने जब हमने इसकी वाइब्रेशन स्टार्ट की, पहले हमने दी जो मास m है ना, पहला मास उसको हमने डिस्प्लेसमेंट दिया 2 mm. पॉजिटिव 2 मींस रट टू द राइट, इसको मतलब 2 mm खींचा राइट साइड, ऐसे हाथ से ही खींच सकते हैं. और जो x2 0, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट दिया उस वक्त वो दिया -2, मतलब वो ऐसे दिया. मास m जो दूसरा मास है उसको दिया लेफ्ट की तरफ 2 mm और इसको दिया राइट की तरफ 2 mm. और वेलोसिटी दी दोनों की सेम जो है 0, मतलब वेलोसिटी कुछ नहीं दी, जस्ट 3 छोड़ दिया. सो देयर आर 4 इनिशियल कंडीशंस. जब हम वेलोसिटी कुछ नहीं देते हैं ना, वो भी इनिशियल कंडीशन होती है. अब 0 वेलोसिटी देते हैं, इसको भी 0 वेलोसिटी दे दी इनिशियली, इसको भी 0 वेलोसिटी दे दी इनिशियली. लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसको दिया पहले मास को 2 mm राइट की तरफ और इसको दिया लेफ्ट की तरफ 2 mm और फिर सिस्टम को छोड़ा. तो देन आई हैव टू एनालाइज दिस सिस्टम. अगर आपको पता होगा एक्चुअली द क्वेश्चन इज फाइंड द रिस्पॉन्स. सो आपको रिस्पॉन्स ढूंढनी है इसकी. रिस्पॉन्स मीन्स आपको x1t एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और x2t एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है. और दूसरा मैं लिख रहा हूँ शो दैट द सिस्टम वाइब्रेट्स इन सेकंड मोड ऑन, मतलब ये इस इनिशियल कंडीशन के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ा दिया जब मैंने सेकंड मोड पढ़ा दिया. सो द सिस्टम शुड वाइब्रेट इन द मोड सेकंड, विच मीन्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ω2 इक्वल टू √3 k/m. तो वो एक्साइट होना चाहिए. लेट्स सी वेदर दैट इज ट्रू. हमें उसको प्रूव करना है. एक्चुअली उस वक्त मैंने प्रूव नहीं किया था ना, मैंने बोला था एक पर्टिकुलर इनिशियल कंडीशन पे हमारा एक ही मूड एक्साइट होगा. तो हम देखेंगे कौन सा मूड एक्साइट होगा इस पर्टिकुलर इनिशियल कंडीशन के, है ना. इसमें हमने इसको भी मतलब एक ही डिस्प्लेसमेंट दिया राइट और सेम दिया इसको भी मास m2 को टुवर्ड्स लेफ्ट. लेट्स सी हाउ वी विल सी द सॉल्यूशन. सी द सॉल्यूशन, वी विल सी द सॉल्यूशन इन द जनरल वे. बट हम ये बात याद रखेंगे कि इसमें सेकंड मूड एक्साइट होगा और हमें वही चीज प्रूव करना है. तो लेट अस सी, है ना. दिस शुड बी एन इजी प्रॉब्लम, बट इट विल टेक अ बिट ऑफ मैथमेटिक्स, बट इट इज क्वाइट इजी. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. वो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है सिस्टम की, वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है ना. दो फ्रीक्वेंसी होती है, ये नहीं कि दो फ्रीक्वेंसी हो गया इसकी एक फ्रीक्वेंसी इसकी एक, नहीं. दो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये एक मूड में जाएगा और दूसरी फ्रीक्वेंसी पे दूसरे मूड पे जाएगा. मतलब एक नया पैटर्न होगा, एक एक पहले फ्रीक्वेंसी पे एक पैटर्न होगा, दोनों मासेस वाइब्रेट होंगे उस वक्त एक मूड में और दूसरी फ्रीक्वेंसी पे दूसरे मूड में एक्साइट होगा. सो इट डज नॉट मीन कि इसकी एक फ्रीक्वेंसी है इसकी एक फ्रीक्वेंसी. इट ओनली मीन्स दैट देयर इज वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट विच दिस सिस्टम विल वाइब्रेट इन अ पर्टिकुलर मूड फॉर अ पर्टिकुलर इनिशियल कंडीशन. अब अगर जनरल इनिशियल कंडीशन होगी तब ये इन दो मूड्स का सुपरपोजिशन होगा उसका रिस्पॉन्स. इसका रिस्पॉन्स मास m1 का और मास m2 का. m1 मैं इसको कह रहा हूँ और m2 इसको, पहले को m1 दूसरे को m2, हालांकि दोनों का मास सेम है. तो हमने निकाला जो इसकी दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, दैट्स √k/m एंड √3
3k/m. सो लेट सी व्हाट विल वी डू. हम पहले सॉल्यूशन सीख करेंगे. हमने पता है अब रेस्पॉन्स क्या है. रेस्पॉन्स में पहले ही बता दिया रेस्पॉन्स ऑफ मास m1, जो पहला मास है उसका x1t विल बी द सुपरपोजिशन ऑफ टू 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 मूव्स. तो x1t मींस x11 cos ओमेगा 1t + phi 1. इसका मतलब क्या हो गया, x11 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मास m1 इन मूड 1. ये हो गया मास m1, ये हो गया मूड 1. ओमेगा 1 हो गया फ्रीक्वेंसी और phi 1 हो गया फेज एंगल. phi 1 मींस phi 1 इज द सेम थिंग एज जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है ना. phi 1 इज द फेज. फेज होता है अगर इनिशियली आप इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट दोगे तो फेज में रिफ्लेक्ट होगा. So this is the, oh, until अगर आपको समझ नहीं आता phase क्या, you can treat it as just a constant, है ना, to describe the motion, another constant. But मैं उसको explain कर चुका हूँ already phase क्या होता है. So it has the same connotation, no, same meaning as in the first one degree of freedom system. So plus x12 means displacement or amplitude in of mass 1 in mode 2 cos omega 2t plus phi 2. यही तो है सुपरपोजिशन ऑफ टू मूड्स, है ना. पहले मूड में ये एम्पलीट्यूड है मास m1 का और दूसरे मूड में ये एम्पलीट्यूड है मास m1 का. ये 2 हो गया दूसरे मूड में, दूसरा मूड हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2. इसी तरह जो x2 है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड मास है, वो है मास m2 का एम्पलीट्यूड मूड 1 में. मूड 1 कॉरेस्पॉन्ड करता है फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 को प्लस फाइव वन प्लस एक्स टू टू कॉस ओमेगा 2t फाइव टू. एक्स टू टू हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ मास m2 इन मूड 2, और ओमेगा 2 हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेकंड, और फाइव टू हो गया फेज. सी फेज, फेज मैंने लिया मास m1 का भी सेम फेज फाइव वन एंड यहाँ पे भी फेज फाइव टू. सो देर आर हाउ मेनी कॉन्स्टेंट. अगर आप देखोगे देयर इट अपीयर्स इस इक्वेशन, जो दो इक्वेशन है इसमें, एक तो हो गया x11, दूसरा गया x12, तीसरा हो गया phi 1, चौथा हो गया phi 2, पांचवा हो गया x21, छठा हो गया x22. सो इट अपीयर्स देयर आर सिक्स कांस्टेंट्स, है ना, लगता है ना. सी कैसे सिक्स, एक तो हो गया x11, दूसरा हो गया phi 1, ओमेगा 1 हमने निकाला है, तीसरा हो गया x12, चौथा हो गया phi 2, है ना, चार. पांचवा हो गया x21 और छठा हो गया x22. phi 1 और phi 2 तो गिन लिए मैंने, है ना. तो इट अपीयर सिक्स कांस्टेंट्स आर देयर, बट देयर आर नॉट सिक्स कांस्टेंट्स एक्चुअली. इफ यू रिमेंबर जब हमने इसको एज आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व किया, उस वक्त मैंने इसमें जो x11 है ना, x11 और x21, इनके बीच में एक रिलेशन आ गई थी ना एज एन आइगन वेक्टर. सो अगर आप याद करोगे तो एक्चुअली जब मैंने इसको एज आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व किया, उस वक्त मैंने निकाला था जो x11 है वो बराबर है x21 के, और जो x12 है, ये x12 वो है x22 के, मगर नेगेटिव ऑफ दैट, है ना. पहले मूड में होता है x11 बराबर x21 के, और दूसरे मूड में होता है x12 यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मास 1 इन सेकंड मूड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मास 2 इन द सेकंड मूड. वही लिखा मैंने, ये मैंने निकाला एज जब मैंने आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को, जब मैंने उस आइगन वैल्यू को उस मैट्रिक्स में वापस दे दिया तो वहां से आइगन वेक्टर आ गए ना, तो वो आइगन वेक्टर दो ये जो थे उनकी रिलेशन ये आ गई थी. अब हो गए ना, अब कितने कांस्टेंट रह गए, चार ही, है ना, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट बन गए ना, ये डिपेंडेंट बन गए, x11 और x21 इक्वल आ गए ना. तो इसको मैं अब इसको अब इक्वेशन 1 को लिख सकता हूँ यूजिंग दीज टू से, हमारे चार ही कांस्टेंट आएंगे क्योंकि हमारे पास चार इनिशियल कंडीशंस दी हुई है. लेट्स सी व्हाट दिस सी. ये आप कंफ्यूज नहीं हो रहा इधर, अगर आप तो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं ये कहाँ से आ गए x11 इज कॉल्ड x21, यू कैन गो बैक टू माय लेक्चर एंड सी. वहाँ पे हमारा जो मॉडल वेक्टर 1 था इन कॉरेस्पॉन्डिंग टू मास 1 इन मूड 1 दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू द एम्पलीट्यूड इन ऑफ मास 2 इन मूड 1, है ना. मतलब दोनों एक फर्स्ट मूड में एम्पलीट्यूड होता है मास 1 और मास 2 का इक्वल, और सेकंड मूड में मास m1 का एम्पलीट्यूड होता है बराबर मास m1 का होता है एम्पलीट्यूड बराबर मास m2 के, है ना, बट नेगेटिव ऑफ दैट सेकंड मूड में. सेकंड मूड ये है ना, सेकंड मूड इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस, ये वाला, और दिस इज करेक्टरिस्टिक करेगी ना, पहली जो पहली टर्म है इसकी वो है फर्स्ट मूड की टर्म, दूसरी टर्म है
सेकंड मोड की टर्म। इसी तरह इसमें पहली टर्म है फर्स्ट मोड की टर्म और दूसरी टर्म है सेकंड मोड की टर्म, और यह है जनरल सोल्यूशन। लेट सी, तो हमें एक्चुअली प्रूव करना है कि जो हमने इसको इनिशियल कंडीशन दी है उसमें सिर्फ सेकंड मोड में एक्साइट करेगा। तो पहली जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं ना, अब ये अब मैं इस x21 की जगह लिखूंगा यही x11, मतलब ये वो इक्वल हो जाएंगे ना, x11 यहाँ पे भी x21 की जगह इस इक्वेशन से x11 वही मैंने किया। और इस यहाँ पे जो है x12 और x22 इसकी जगह मैं लिखूंगा माइनस ऑफ x12, यहाँ दूसरी इक्वेशन, उससे मुझे चार ही कांस्टेंट आएंगे फिर मैं उनको, ये है माइनस x12, ये समझ लो यहाँ पे है ना माइनस x12। मैंने कहाँ से लिया, क्योंकि x22 है बराबर माइनस x12 के, तो मैं वो इधर लिखा। तो अब हमारे पास अब हम इनिशियल कंडीशंस को यूज करेंगे, x10 इज माइनस x20 विच इज इक्वल टू 2 mm, है ना, ये होगी दो इनिशियल कंडीशंस। बस और क्या, फिर सो x10 इज इक्वल टू माइनस x20 विच इज इक्वल टू 2 mm, ये है ना इनिशियल कंडीशन। तो अब मैं इसको x10 की जगह मैं 2 mm दूंगा ना ये, और यहाँ पे t को 0 दूंगा, तो मुझे मिलेगा x11 cos φ1 प्लस x12 cos φ2। इसी तरह अब मैं दूसरी इक्वेशन में दूंगा x20 इज x20, यहाँ से देखो मैं -2 mm है ना, ये देखो ये माइनस यहाँ जाएगा ना, तो x20 इज -2 mm, यानी जो डिस्प्लेसमेंट दूसरे मास का है वो है -2 mm, मींस 2 mm टू द लेफ्ट। तो उसको जब इसमें सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में जो इसकी है, तो दूसरे इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन 2 है इसका ये वाली इक्वेशन, इसमें मैं यहाँ पे x20 दूंगा -2 और t को वैल्यू दूंगा 0, तो मुझे मिलेगा x11 cos φ1 माइनस, ये है ना माइनस, ये माइनस यहाँ से आ गया है सही, जब मैंने इसको सब माइनस x12 cos φ2। अब देखो सी, बेसिकली अभी भी हमारे पास इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, एक तो है x11, दूसरा है x12, तीसरा है φ1 और चौथा है φ2, चार है ना, ये देखो x11 x11, x12 x12, φ1 φ1, φ2 φ2, चार वेरिएबल्स है। तो दो इनिशियल कंडीशंस और लगेंगे, वो कहाँ से लाओगे आप, जो दो इनिशियल कंडीशंस और है वो तो वेलोसिटी इनिशियल कंडीशंस है ना, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो वो भी इनिशियल कंडीशन होगी। अब आप इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करोगे, आसान है इसको डिफरेंशिएट करना, वहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी मास m1 की, यानी x1.t और x2.t। तो वो आपने किया यहाँ पे, वेलोसिटी यहाँ पे निकाली मैंने, इसको डिफरेंशिएट किया है। तो जब आप इस इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करोगे ना, सो व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, सो इट विल बी x11 ω1 sin ऑफ ω1t प्लस φ1, बट माइनस है ना, कॉस की डिफरेंशिएशन है माइनस, इसी तरह कॉस की डिफरेंशिएशन यहाँ माइनस आएगी, लेकिन ω2 की हम अंदर भी डिफरेंशिएशन करेंगे ना फिर, तो ω2 बाहर आएगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ ω2t विल बी ω2, वही मैंने यहाँ पे लिखा, तो नेगेटिव लेकिन होगा नेगेटिव है ना, नेगेटिव यहाँ पे। इसको डिफरेंशिएट किया, दूसरी इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट किया, ये मैंने इसलिए डिफरेंशिएट किया क्योंकि मुझे वेलोसिटी इनिशियल कंडीशन दे रही है। अब मैं वेलोसिटी इनिशियल कंडीशन कैसे दूंगा, अब मैं इसको x1 डॉट ऑफ एट टाइम t इक्वल टू 0 पुट करूंगा 0, और यहां से t को पुट करूंगा 0, तो वो बन जाएगी इनिशियल कंडीशन फॉर वेलोसिटी। वहां से भी दो इनिशियल कंडीशन आएंगे, देखो x1.0 इज इक्वल टू x2.0 इक्वल टू 0, तो मैं 0 करूंगा पुट, वहां से t को 0 करूंगा पुट, तो आपको मिलेगा माइनस x11 ω1 sin φ1 माइनस x12 ω2 sin φ2 माइनस x1 दूसरी में माइनस x11 ω1 sin φ1 प्लस x12 ω2 sin φ2। यहाँ पे प्लस इसलिए आ गया क्योंकि माइनस है ना, ये है ना माइनस, देखो ये देखो ये है कहाँ गया ये, हाँ ये है ना, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये माइनस, ये इसको ना डिफरेंशिएशन करके, इसको जब डिफरेंशिएशन करोगे ना कॉस कॉस को, वो आएगा माइनस साइन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पे दूसरा प्लस आ गया। तो अब हमारी इक्वेशंस कितनी बन गई, अगर आप देखो कि आपकी इक्वेशंस हैं 3 4, इक्वेशंस 3 4 5 एंड 6, लुक एट देम, लुक एट 3 4 5 एंड 6, यू हैव 4 इक्वेशंस एंड 4 वेरिएबल्स x11 x12 φ1 φ2।
आपके पास है 3, 4, 5 और 6। सो बट दीज इक्वेशंस आर इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन, है ना, इसमें कॉस भी है और साइन भी। तो हम वेरिएबल्स को पुट थोड़ा बहुत इसमें करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो वी जस्ट चेंज द वेरिएबल्स। अब आसान है, जस्ट हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली। तो मैं x11 cos 51 को पुट करूंगा ए, मतलब ये हो गया एक वेरिएबल x11 cos 51 इज इक्वल टू ए। दिस इज जस्ट सपोजिशन, इससे मुझे सारा पता चल जाएगा। तो इसी तरह मैं x12 cos 52 को पुट करूंगा बी, तो ये बन जाएगा सेकंड वेरिएबल। इसी तरह जो है x11 sin 51 को पुट करूंगा सी, ये बन जाएगा थर्ड वेरिएबल। और x12 sin 52 को करूंगा पुट डी, जो बन जाएगा फोर्थ वेरिएबल। अब देख लो इसमें जो इक्वेशन 3, 4, 5 और 6 है ना, उसमें है x11 cos 51 x12 cos 52, उन्हीं को मैंने ए बी सी डी पुट कर लिया। तो इससे इक्वेशन आसान बन जाएगी सॉल्व करना, एंड देन यू कैन सी। तो अब क्या होगा, तो इक्वेशन 3, 4, 5 और 6 वो बन जाएंगी फिर 2 = a + b - 2 = a - b, 0 = -c ω1 - d ω2, 0 = -c ω1 + d ω2। ये जो इक्वेशन 7, 8, 9, 10 बन गई ना, ये बन गई अब आसान इक्वेशन, इनको हम ए बी सी डी में सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो भी आसान है। आप 7 और 8 को अगर ऐड करोगे ना, क्यों, जब 7 और 8 से आपको ए और बी मिल जाएंगे, पहले इनको ऐड करोगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, वहां रहेगा ए। देखो ऐड 7 एंड 8, वहां क्या बन जाएगा 2 - 2, 2 + - 2 हो गया 0, a + a दैट इज 2a, b - b दैट इज 0, तो बन जाएगा 2a = 0, मतलब a निकला आपका 0। इसी तरह आप 7 और 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने से a और a कट जाएगा, a - a = 0, 2 - - 2 दैट इज 4, तो ये बन जाएगा, तो यू विल गेट 4 = 2b और b = 2, तो निकला b = 2। इसी तरह आप 9 और 10 जो है उससे आपको c और d मिल जाएंगे। तो 9 और 10 में आप क्या करोगे, आप उनको भी पहले ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, आपको वहां से सी और डी मिल जाएंगे। तो जब आप 9 और 10 को ऐड करोगे तो वहां से आपको सी मिलेगा 0, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 9 और 10 को तो वहां से आपको डी मिलेगा 0, है ना। ये 0 क्यों होगा, क्योंकि ω1 और ω2 0 नहीं है ना, 2c ω1 = 0, which means c should be 0, सी विल बी 0/2 ω1, डी विल बी 0/2 ω2, दैट विल बी 0। तो सी और डी दोनों 0 आ जाएंगे। इसमें से कितने कांस्टेंट थे, 4 कांस्टेंट से तो एक ही कांस्टेंट का एक वैल्यू आ गया, नहीं 2 का आ गया। सी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो एक इसके बराबर रखा था हमने x11 cos 51 वो था 0, इस तरह b x12 cos 52 = 2, c x11 sin 51 = 0, d x12 sin 52 = 0, मतलब 3 0 निकले और एक का वैल्यू 2 निकला। अब आप यहाँ से x11 cos 51 x11 51 x12 52, मतलब अब आप यहाँ से चारों कांस्टेंट जो निकालने थे वो निकाल सकते हैं। कैसे, x11 निकलेगा, 51 भी निकलेगा, x12 भी निकलेगा और 52 भी निकलेगा, लेट्स सी हाउ। तो आप 11 और देखो, अगर आपको निकालना है x11 किस में है, 11 और 13 में, है ना, 11 और 13 में। तो आप 11 और 13 को स्क्वायर कर लो और ऐड कर लो, मैंने वो किया है एक्चुअली, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 11 एंड 13, उससे आपको x11 मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में है x11। तो x11 square cos square 51 plus x11 square sin square 51 इज, दोनों राइट साइड में 0 है तो = 0, तो इससे आपको मिलेगा x11 square = 0, व्हिच मींस x11 इज 0, मतलब एक कांस्टेंट निकला वो 0 के बराबर निकला। इसी तरह अगर आपको अब x12 निकालना है, x12 कैसे निकालोगे, देखो x12 किस इक्वेशन में है, b यानी जो 12 में है और 14, है ना, देखो x12 यहाँ पे भी, x12 यहाँ पे, cos 52 sin 52, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो cos² 52 + sin² 52 विल बी 1, उससे आपको मिलेगा x12। वही मैंने किया, आप देख सकते हो, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड इट बाई गोइंग थ्रू इट, है ना, इसको स्टेप बाई स्टेप देखना है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो लेट्स सी, तो x12 square cos 52 plus x12 square sin 52 शुड बी इक्वल टू 2 square + 0 square, यानी 2 square, है ना, एक राइट साइड में एक के 2 है तो उसको भी स्क्वायर हो जाएगा, इट शुड बी 2 4, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से x12 = 2, यानी जो x12 है, यानी जो एम्पलीट्यूड ऑफ मास m1 इन मूड सेकंड, वो आपको निकला 2 mm, कितना निकला 2 mm, है ना, तो आपको 2 mm निकला।
इसी तरह अब आप फाइव वन और फाइव टू को निकालने के लिए क्या करोगे? देखो फाइव वन और फाइव टू, ये देखो अगर आपको यहाँ से फाइव वन निकालना है तो आप किसको डिवाइड करोगे? अगर आप इलेवन और थर्टीन को डिवाइड करोगे, एक्स वन वन जाएगा, वहां पे मिलेगा आपको साइन फाइव वन डिवाइड बाई कॉस फाइव वन, तो हो गया टेन फाइव वन, जीरो, तो वो आपको मिल जाएगा फाइव वन जीरो। तो फाइव वन मिलेगा आपको जीरो, मैंने एक्चुअली डिवाइड किया थर्टीन एंड इलेवन को, तो फाइन फाइव वन, वहां से फाइव वन मिला जीरो, और फोर्टीन और ट्वेल्व को, वहां से आपको फाइव टू मिला जीरो, मतलब दोनों फेज जो कॉन्स्टेंट है वो जीरो निकले। सी एक्चुअली दिस इज अ जनरल मेथड, इसमें अब हमारा तीन चार तीन कॉन्स्टेंट जीरो निकले और एक ही कॉन्स्टेंट का एक वैल्यू निकला, बट दिस इज अ जनरल मेथड, दैट इज व्हाई आई शोड इट। कल को आपको अगर कोई प्रॉब्लम पोज करेगा जिसमें के वन इक्वल टू के टू नहीं होंगे, मास एम वन इक्वल टू एम टू नहीं होंगे, तो वहां पे आपको डिफरेंट सोल्यूशन मिलेगा, बट द मेथड इज सेम, ऐसे बिल्कुल निकालना है। तो अभी अब आप जो सोल्यूशन है वो क्या बन जाएगा? सोल्यूशन तो ये था ना, हमारा सोल्यूशन एक्स वन टी में था, एक्स वन वन कॉस ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन एक्स वन टू कॉस ओमेगा टू टी प्लस फाइव टू। हाँ तो यही मैं प्रूव करना था ना, अब एक्स वन वन निकला हमारा जीरो, ये टर्म तो जीरो बन जाएगी, तो एक्स वन टू निकला टू, तो हमारा एक्स वन टू एक्स वन टी मिला टू कॉस ओमेगा टू टी, मतलब जो मास एम वन है वो सिर्फ सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू से वाइब्रेट करेगी, जो कि है अंडर रूट थ्री के बाय। हो गया ना प्रूफ। इसी तरह जो देखोगे आप एक्स टू टी किसके बराबर था? एक्स टू टी था इसके बराबर, एक्स वन वन कॉस ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन माइनस एक्स वन टू कॉस ओमेगा टू टी प्लस फाइव टू, उसमें था एक्स वन वन, उसमें भी है एक्स वन वन जीरो के, क्योंकि एक्स वन वन हमारा जीरो निकला, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो क्या रहेगी? अब एक्स वन टू है टू के बराबर, तो ये रहेगी माइनस टू कॉस ऑफ ओमेगा टू टी, फाइव टू तो जीरो निकला ही, तो हमारा सोल्यूशन जो है दैट विल बी गिवन बाय दिस जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तो दिस विल बी द सोल्यूशन एक्स वन टी एंड एक्स टू टी। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि जो एक्स वन टी और एक्स टू टी है ये निकला हमें, विच मीन्स कि बोथ द मासेस, जो मास एम वन है मतलब पहला मास जो है और दूसरा मास जो है वो दोनों करेंगे वाइब्रेट इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू, इन मूड टू, मतलब उसको हम दूसरा मूड कहेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ओमेगा टू, ओमेगा टू किसके बराबर है? अंडर रूट थ्री के बाय एम, उसको आप निकाल सकते हो, के भी दिया है एम भी दिया है, बस खत्म बात। यही तो हमें प्रूव करना था ना, ये सिर्फ अगर हम जो हमने पर्टिकुलर सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस ले ली इस वक्त, उसमें ये वाइब्रेट करेगा सिर्फ सेकेंड मोड में, यही तो हमने प्रूव करना था ना, और यही किया हमने प्रूव। तो है वी हैव प्रूव्ड दैट फॉर दिस सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस द मासेस m1 एंड m2 व्हिच आर इक्वल विल वाइब्रेट इन मोड 2 ओनली विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 व्हिच इज अंडर रूट 3 के बाय m, को भी मैंने निकाला, तो दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। सो एक्चुअली अगर आपके पास जनरल इनिशियल कंडीशन होती, मतलब अब हमारी जो इनिशियल कंडीशन थी मैं आपको बता दूंगा क्या है, मैंने इनिशियल कंडीशन दी थी ये, अगर आप इनिशियल कंडीशन चेंज करोगे ना तो सोल्यूशन विल बी डिफरेंट, सोल्यूशन विल बी गिवन बाय द सम ऑफ बोथ द मोड्स, उसमें एक्स वन वन का भी वैल्यू होगा, एक्स वन टू का भी, एक्स टू वन का भी और एक्स टू टू का भी, है ना, बेसिकली उसमें जो वैल्यू होगा दैट विल बी गिवन बाय इनिशियल कंडीशंस। तो सोल्यूशन फिर ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही सी करना है, जस्ट ओनली आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको ये जो है एक्स वन वन और एक्स टू वन जो कि बराबर है ना एक दूसरे के, वो जीरो नहीं होंगे अगर जनरल इनिशियल कंडीशन हो, लेकिन इस केस में वो दोनों जीरो हो गए, वही तो हमने प्रूव करना था ना, और वही तो मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर आप एक इनिशियल कंडीशन ऐसी दोगे जिससे आपको सिर्फ मूड सेकंड वाइब्रेट होगा, वो इनिशियल कंडीशन क्या होगी, ये यही ना जो मैंने यहाँ पे दी थी। वरना अगर आप इनिशियल कंडीशन डिफरेंट दोगे, सपोज आप इनिशियल कंडीशन अब ऐसे दोगे कि सिर्फ मूड वन वाइब्रेट होगा, अगर आप इनिशियल कंडीशन में ये सिर्फ ये चेंज करोगे ना, ये इफ यू विल यहाँ पे आप माइनस नहीं लोगे, यहाँ पे आप प्लस लोगे, तो आपको क्या होगा, मूड वन वाइब्रेट होगा, वो भी आप प्रूव कर सकते हो आप, लेकिन मैंने यही प्रूव कर दिया, उस वक्त ये दो टर्म जीरो हो जाएंगे एक्स वन टू और एक्स टू टू। हाँ इसमें हमने याद रखना है जब हमने इसको ये ना प्रूव कर दिया, वी हैड यूज्ड दिस कंडीशन फ्रॉम द आइगन वेक्टर, जब हमने आइगन वेक्टर सॉल्व किया तो उसमें जो कंडीशन निकली थी दैट देयर जो आइगन वेक्टर एक्स वन वन जो पहला आइगन वेक्टर था दैट वाज एक्चुअली एक्स वन वन शुड बी इक्वल टू एक्स टू वन, व्हाट दिस मींस कि जो एम्पलीट्यूड होगा मूड वन में, एम्पलीट्यूड होगा मूड वन में मास वन का, दैट शुड बी अ स्केलर मल्टीपल ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मास एम टू इन मूड वन,
दिस इज एक्चुअली द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम. अगर आप इसको समझोगे भी नहीं, बट ये जरूरी समझना है कि x11 x21 के बराबर निकला, और वो मैंने दिखाया था लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर था ना इसमें, उसमें मैंने दिखाया. अब मैंने प्रूव कर दिया इसको, तो आई शुड फिनिश. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा बहुत है ना लेंथ, और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड. सो बिकॉज़ आई नो लेवल लेवल मतलब जो है आपकी और मेरी भी, एक्चुअली लेवल नहीं, बेसिकली सिंस आई एम टीचिंग इट ऑफलाइन, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मेक इट अंडरस्टैंड इन दिस वे, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. But still, this thing is a bit tricky, but very easy. Once you go through steps, and once you understand my language, मतलब जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, मतलब आप कान में एयरफोन वेयरफोन नहीं लगाओगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे इसको, you will understand कि जो मेरी जो मैं कहना चाहता हूँ, every word has a meaning, and that meaning corresponds to actually what do we say, वो meaning correspond करती है इसके फिजिकल बिहेवियर की. तो हमने इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी करने, तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, आपको आप देखोगे जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उसमें एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे मैं कहता हूँ, वो मैं दिखा दूंगा हमारे यूनिवर्सिटी ऑफिस. सो बट हमारे पास, चूंकि आप मेरे सामने नहीं हो और मैं भी आपके सामने नहीं हूँ, बट सो तो इसमें आप क्या करना है, हमें आपको ये ध्यान से सुनना है और आपको देखना है कि मैंने कहाँ पे मतलब क्या कहा है, कहाँ पे एम्फसाइज किया है, सो दैट आप वहाँ पे ध्यान दोगे और थ्रू इक्वेशंस जाओगे. दीज आर अलजेब्रिक इक्वेशंस, ये ज्यादा मुश्किल इक्वेशंस नहीं है. आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को आपको देखना है, तो मैं उस पर लेक्चर दूंगा, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर अगले लेक्चर में उसी पे दूंगा, आफ्टर और माइनस, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है ना. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके बाय.